तो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रजनीश कुमार। टुडे आई विल बी डिस्कस अबाउट 13 दिसंबर करेंट अफेयर्स क्वेश्चन। ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एज SSC, बैंकिंग, रेलवे। सो गाइस, नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर या फिर 13 दिसंबर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, 12 दिसंबर को। ठीक है, 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में टाइम पत्रिका द्वारा निम्नलिखित में से किसे एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया था? ऑप्शन है कोवी ब्रायंट, क्रिस पॉल, लेब्रोन जेमा, ई देखिए डवाइट हार्वर्ड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, लेब्रोन जेमा। ध्यान में रखिएगा, लेब्रोन जेमा जो हैं सो दिसंबर 2020 में टाइम पत्रिका द्वारा निम्नलिखित में से जो है सो एथलेटिक्स ऑफ द ईयर नामित से घोषित किए हैं, यानी कि जो इस वर्ष 2020 दिसंबर में एथलेटिक्स ऑफ द ईयर जो है सो लेब्रोन जेमा है। अगला क्वेश्चन, आज के करंट अफेयर्स हैं, दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने 5वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन IWIS का आयोजन किया है? ऑप्शन है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा नदी बेसिन प्रबंध और अध्ययन केंद्र, तीसरा ऑप्शन है नीति आयोग और चौथा ऑप्शन है एक और दो दोनों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, एक और दो दोनों। यानी कि देखिए, समझिए कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा नदी बेसिन प्रबंध और अध्ययन, ये जो दोनों ऑप्शन है ये सही होगा कि जो हाल में ही अभी जो 5वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है सो इन्हीं दोनों के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में टाइम द्वारा बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है एरिक युआन, एंडस यांग, मार्क जकरबर्ग और चौथा ऑप्शन है जैक डोर्सी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, एरिक युआन। ठीक है, एरिक युआन जो है सो दिसंबर 2020 में टाइम्स द्वारा बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? इसका देखिए ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन है 9 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है 10 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 11 दिसंबर और चौथा ऑप्शन है 12 दिसंबर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, 12 दिसंबर। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में भारत ने ड्रग कंट्रोल कॉरपोरेशन कि 5वीं द्विपक्षीय बैठक किस देश के साथ की है? ठीक है, ऑप्शन है पहला ऑप्शन है भूटान, दूसरा ऑप्शन है म्यांमार, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश और चौथा ऑप्शन है लाओस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, म्यांमार। म्यांमार जो है सो भारत ने ड्रग कंट्रोल कोऑपरेटिव की 5वीं द्विपक्षीय बैठक जो की है सो म्यांमार देश के साथ की है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य के राज्यपाल ने दिसंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और सुरक्षा प्रबंधन संस्थान IISM के 30वें वार्षिक ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने ही दिसंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और सुरक्षा प्रबंधन संस्थान जो है सो 30वें वार्षिक ग्लोबल कन्वेंट का उद्घाटन किया है। अब देखिए, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सो भगत सिंह कोश्यारी हैं। इसको ध्यान में रखिएगा कि महाराष्ट्र के जो राज्यपाल वर्तमान में हैं सो भगत सिंह कोश्यारी हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि दाजीपुर अभयारण्य के विकास के लिए पहले चरण में 25 करोड़ रुपए का जो प्रदान किया जाएंगे, यानी कि 25 करोड़ रुपए का योगदान होगा पहले चरण में।
जो कि दाजीपुर अभयारण्य के विकास के लिए। ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा। तो ये भी देखिए, इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हैं सो घोषणा की है कि दाजीपुर अभयारण्य के विकास के लिए पहले चरण में 25 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। अब देखिए, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं सो कौन है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। ध्यान में रखिएगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे हैं, और जो राज्यपाल हैं सो भगत सिंह कोश्यारी हैं। अगला क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का 9वां संस्करण दिसंबर 2020 में किस शहर में शुरू होगा। ऑप्शन है देहरादून, जम्मू, श्रीनगर, ईटानगर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक होगा, देहरादून। देखिए, देहरादून में ही जो अभी है सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का 9वां संस्करण शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी निम्न में से किस पर प्रदर्शित होगा। ऑप्शन है अयोध्या में राम मंदिर, काकमार नृत्य, भोरतल नृत्य, और चौथा ऑप्शन है स्टार्टअप इंडिया। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक होगा, अयोध्या में राम मंदिर। यानी कि अभी जो दिल्ली में गणतंत्र दिवस होगा, तो गणतंत्र दिवस के परेड में जो उत्तर प्रदेश की झांकी जो दिखलाई जाएगी, इस बार अयोध्या में राम मंदिर के लिए दिखाई जाएगी। यानी कि संस्कृति के लिए, आस्था के लिए इस बार उस झांकी में दिखाया जाएगा। देखिए साथियों, एक चीज़ और इसमें हम आपको बता दें कुछ जानकारी, कि अगर इसका आप PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे आप लोग सर्च कीजिएगा QKQ Study, उस वहाँ एक ग्रुप मिलेगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। फेसबुक पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर भी बहुत कम समय में लगभग 2 से 2.5 हज़ार स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। फेसबुक पर देखिए आपको क्या है कि कोई भी अगर क्वेश्चन हो, या फिर मैथ से हो, GK से हो, रीजनिंग से हो, कोई भी क्वेश्चन आपके पास डाउट हो तो आप वहाँ भेज सकते हैं, जिससे कि डिस्कशन हो सके, ठीक है। इंस्टाग्राम पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप लोग सर्च कीजिएगा QKQ Study, वहाँ इसको फॉलो कर लीजिएगा। देखिए, इंस्टाग्राम से जुड़ने से आपको क्या फ़ायदा है कि कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर कोई भी नोटिफिकेशन जब भी आता है तो हम सबसे पहले इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हैं, उसके बाद फिर हम फेसबुक पर भी अपलोड करते हैं, ठीक है। फेसबुक पर भी आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, रजनीश कुमार QKQ, अगर सब आप लोग सर्च कीजिएगा तो वहाँ एक पेज मिलेगा, आप लोग उसको फॉलो कर लीजिएगा। जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन होते हैं कि एग्ज़ाम्स कब होंगे, एडमिट कार्ड कब निकलेगा, तो ये सब जानकारी आपको सबसे पहले फेसबुक पर मिलेगी और इंस्टाग्राम पर, इसलिए कि फेसबुक और इंस्टाग्राम बहुत लोग यूज़ करते हैं और वहाँ ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो ये दोनों जानकारी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम से मिलेगी। टेलीग्राम पर आप लोग को ये जो वीडियो हम करवा रहे हैं तो इसका PDF आपको मिलेगा, ठीक है। फेसबुक ग्रुप में आप लोग अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं, आप अपना डाउट क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। तो ये जो चारों सोशल मीडिया का जो मैंने बताया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, सबसे लास्ट में आप लोग देखिएगा, वहाँ लिंक होगा जिससे कि आप उसको डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स में अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने यूरोप में अपने इलेक्ट्रॉन वाहन व्यवसाय का नेतृत्व करने के लिए जूलियन गिफर्ड को नियुक्त किया है, ठीक है। देखिए ऑप्शन देखिएगा, यहाँ ऑप्शन है ओला, उबेर, जूमकर, मेरन कैश। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। यानी कि ओला, ओला को देखिए रूप में इलेक्ट्रॉन वाहन व्यवसाय का नेतृत्व करने के लिए जूलियन गेफर्ट को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि अगला क्वेश्चन हम आपसे बता रहे हैं करंट अफेयर्स का है कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C50 जिसे हम बोलते हैं, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में निम्नलिखित में से किस संचार उपग्रह का प्रक्षेपण दिसंबर 2020 में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन है देखिए INSAT-4A है, CMSS-01 है, GST-31 है, या फिर GST-12 है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, यानी कि CMS-01 होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पिफ्रिजर बायोटेक उपन्यास कोरोना वायरस वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी देने वाला दूसरा खाड़ी देश बना है। ऑप्शन है बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा
सेकेंड ऑप्शन होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है सो देखिए हाल में ही यानी कि अभी इसको अच्छी तरह से समझिएगा कि जो सऊदी अरब है सो दूसरा देश बन गया है, ठीक है, फाइजर बायोटेक उपन्यास कोरोना वायरस वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दिया, यानी कि दूसरा बड़ा देश ये बन गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने टाइम्स ऑफ मैगजीन के हीरोज़ ऑफ 2020 के बीच में उन लोगों को सम्मानित किया है जो ड्यूटी से बढ़कर कार्य किया है। ऑप्शन है राहुल दुबे, शिखर सक्सेना, मनीष गोयल, आशीष मलिक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक होगा, यानी कि राहुल दुबे। देखिए हाल में ही राहुल दुबे को सम्मानित किया गया है किससे, तो हीरोज़ ऑफ यानी कि टाइम्स ऑफ मैगजीन के हीरो से सम्मानित किया गया है, जो कि ड्यूटी से बढ़कर कार्य किया जाता है, जो भी ड्यूटी से बढ़कर काम करते हैं उनको ये सम्मान मिलता है, उनको ये सम्मानित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2020 में भूमंडलीय पेरिस जलवायु समझौते की किस वर्षगांठ के अवसर पर वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। ऑप्शन है तीसरे, पाँचवें, सातवां या फिर नौवां। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, ठीक है, यानी कि पाँचवा। पाँचवा जो है सो पाँचवें वर्षगांठ, इसको समझिएगा कि पाँचवें वर्षगांठ के अवसर पर वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है हाल में ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 2020 दिसंबर में। तो आज के लिए इतना ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमारे चैनल के द्वारा आपको बताए जाते हैं डेली सुबह में, ठीक है। तो जो भी लोग करंट अफेयर डेली पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो यानी कोई भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में जितने भी मैंने सोशल मीडिया का लिंक बताया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, सबसे लास्ट में उसका लिंक मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, जिससे कि आपको इसका PDF मिलेगा। कोई भी आपको डाउट क्वेश्चन होगा तो आप फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि कोई भी एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन जो भी मिलता है हम सबसे पहले आपको वहाँ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो और जो भी नए साथी हमारे साथ हैं वो जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इससे बेहतर और कहीं आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए जय हिंद, फिर हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।